मम्मा बहुत भूख लगी है। फ्रिज में जो पड़ा है खा लो। लेकिन मुझे ब्रेड नहीं खानी, रोटी बनाते हैं। जो पड़ा है वही खा लो, मैं ड्रामा देख रही हूँ। मामा मेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करवा दें, आप खुद कर लो। लेकिन मामा आपकी हेल्प चाहिए, खुद भी कभी कुछ कर लिया करो, स्कूल से सही तरह समझ के आया करो। जी मामा। मामा मैं नहा के क्या पहनूं? ओफो कुछ भी पहन लो, आप कपड़े देंगी तभी मैं पहनूंगा ना। क्या बोला था, जो मर्जी पहनो। हैं मामा बाबा आ गए हैं। इतनी जल्दी? आपको मोबाइल देखते देखते टाइम को पता ही नहीं चला। ओहो इन्हें भी इतनी जल्दी आना था। मेरे ड्रामे की आखिरी एपिसोड चल रही थी। मामा सारे दिन मोबाइल में मसरूफ रहती हैं। जी हमारा तो कोई फिक्र ही नहीं है। और बाबा के आते ही ऐसे करती हैं जैसे सारे दिन काम करके बहुत थकी हूँ। जी जबकि मोबाइल देख देख कर नहीं थकती। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद आज तक किसी माँ ने दोबारा सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं किया जो हमारे क़िबले अव्वल के लिए कुछ करता। बहैसियत माँ मुझे खुद भी शर्म आती है कि पहले की वो माएँ थी जो इतनी दिलेर औलाद पैदा करती थी, और आज हम माएँ हैं जिन्हें फैमिली ब्लॉग्स, ड्रामे, शोहर और ससुराल की बुराइयों से फुर्सत नहीं। इन सारे हालात में जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं वो हैं हमारे बच्चे। यही वजह है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करना छोड़ दी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, और उसका अजाला ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल रील्स पर नाचती फिर रही है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है।